नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाने के दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई के उचित ठहराया है। कोर्ट ने रासुका के तहत दोनों को निरुद्ध करने के डीएम लखनऊ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी ने शुक्रवार को यह आदेश देवेंद्र प्रताप यादव व सुरेश सिंह यादव की याचिकाओं पर दिया। इनमें दोनों पर रासुका के तहत कार्रवाई के आदेशों को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सतनाम सिंह लवी ने गत वर्ष 19 जनवरी को स्थानीय पीजीए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगा था कि आपराधिक साजिश के तहत सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरित पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के समर्थन में और उनकी सह पर देवेंद्र प्रताप यादव व अन्य ने वृंदावन कॉलोनी में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जला दी थीं। इनमें लोगों में आक्रोश बढ़ गया था और स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के तहत दोनों के खिलाफ जिलाधिकारी ने रासुका के तहत कार्रवाई का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कृत्य से समाज में आक्रोश व गुस्से का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आरोपियों ने अपने सहयोगियों के साथ सार्वजनिक स्थल पर दिन के प्रकाश में धर्म ग्रंथ का अपमान किया। इससे समाज में धार्मिक उन्माद और आक्रोश फैलाने की स्थिति पैदा होने की आशंका होती है। वर्तमान स्थिति में विशेषकर जहां मोबाइल फोन व सोशल मीडिया से समाज का लगभग प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहां इस तरह की घटनाओं से समस्या बढ़ सकती है। जी हां, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर।